हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, ये है ना Hyundai की क्रेटा एंड ये इसका EX वेरिएंट आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे फीचर्स ना इस वाले वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है। एंड इस वीडियो में ना मैं इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। इसकी प्राइस, माइलेज, इंजन स्पेसिफिकेशन, मिनिमम डाउन पेमेंट, हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं ना इस गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो भाई, फ्रंट लुक ना मतलब टॉप मॉडल की तरह ही दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो LED DRL मिल जा रहा है इस वाले वेरिएंट में, लेकिन कनेक्टेड DRL ना इसमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका DRL प्लेस किया गया, इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जा रहा है लो बीम के लिए, एंड हाई बीम के लिए ना आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प दिया गया है। लेकिन भाई, लाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसके लाइट से ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनकेस अगर आपको इस गाड़ी की लाइट कम लगती है तो इसमें आप प्रोजेक्टर में एंड इसके रिफ्लेक्टर में ना आप LED डलवा के और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं इस गाड़ी की लाइट को। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैट फिनिश में इसका लोअर बम्पर दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया ये वाला भी पार्ट इसका दिया गया है। एंड लोअर ग्रिल इसकी आप देखेंगे ना तो ये भी मैट फिनिशिंग में दी गई है। Hyundai का लोगो मिल जाता है सर्टेन फिनिश के साथ में। एंड यहाँ पे ना पूरा मतलब डीक्रोम का यूज़ किया गया है, पूरा ये ब्लैंक ही देखने को मिलता है। एंड फ्रंट लुक ना इसका कुछ इस तरीके का दिया गया, काफ़ी अच्छी लगती है भाई क्रेटा हमेशा से ही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल भी होती है। पिछले महीने चेक करेंगे ना तो क्रेटा नंबर 1 पे आई थी सेल्स के मामले में, मतलब SUV में सबसे ज़्यादा सेल हुई थी Hyundai की क्रेटा, जिसकी वजह से भाई इस गाड़ी की फ़ैन फॉलोइंग ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको पता ही है। एंड इसका बोनट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में इस गाड़ी का बोनट दिया जा रहा है। एंड यहाँ पर डुअल वॉशर एंड वाइपर देखने को मिल जाता है, मतलब इस वेरियंट में आपको ऑटोमेटिक वाइपर नहीं देखने को मिलेगा। विंडशील इसकी आप देख सकते हैं, एंड इसमें ना सनरूफ भी नहीं दिया जा रहा है, देख सकते हैं, मतलब क्योंकि इसकी प्राइस ना काफ़ी कम रखी गई है, जिसके वजह से ना इसमें सनरूफ भी नहीं देखने को मिलता। साथ फिन एंटीना यहाँ पे प्लेस किया गया है, साइड से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। लेंथ इसकी ना काफ़ी ज़्यादा दी गई है। बात करें टायर सेक्शन की तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में MRF कंपनी का टायर दिया गया है। बात करें टायर सेक्शन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 205/65/R16 सेक्शन का इसमें फ्रंट में टायर दिया गया है स्टील रिम के साथ में। एंड ये ना कंपनी की तरफ से लगाया गया है, कवर है ये, मतलब व्हील कवर। एंड बात करें सस्पेंशन की तो भाई फ्रंट में MacPherson स्टड सस्पेंशन दिया जा रहा है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। एंड क्वालिटी वाइज ना इस गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया दिया गया है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दी जा रही है। ये इसका ब्लैक वेरियंट है, जिसमें इतना ज़्यादा मतलब ये विजिबल नहीं हो रहा है, जैसे वाइट कलर आप देखेंगे ना तो उसमें ये काफ़ी बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है गाड़ी को। ORVM इसका आप देख सकते हैं, बॉडी कलर में ORVM इसका दिया गया है। इसको ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब फोल्ड अनफोल्ड वाला फीचर इस वाले वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता। बॉडी कलर में इसका डोर हैंडल मिल जा रहा है, एंड इसका ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर आप देखेंगे ना तो ग्रे फिनिश में दिया गया है, लेकिन ये दोनों पिलर इसका ग्लासी ब्लैक फिनिश में, मतलब बॉडी कलर में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे टेपिंग वगैरह नहीं की गई है। एंड विंडो इसकी आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट साइज़ की इसमें विंडो दी जा रही है, पावर विंडो आपको चारों मतलब चारों पावर विंडो इस वेरियंट में आपको देखने को मिल जाता है। बात करें रियर टायर की तो भाई रियर टायर इसका बिल्कुल जैम है फ्रंट की तरह। इस गाड़ी में ना फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब अलॉय व्हील नहीं दिया गया, लेकिन रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब क्रेटा का आप बेस वेरियंट छोड़ के ना कोई सा भी वेरियंट परचेज करेंगे तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा चारों टायर में। एंड रियर में ट्विस्ट बीम हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कॉइल स्प्रिंग के साथ में आता है। एंड सस्पेंशन इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, मतलब और गाड़ियों के कंपैरिजन में। बाकी साइड से कुछ ऐसी दिखती है। बात करें रियर लुक की तो भाई रियर से ना कुछ ऐसी देखने को मिलती है, यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट दी जा रही है, जो पूरा इसके लुक्स को ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है रियर से। और इसकी सारी लाइटें ना आपको LED में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है। दो पार्किंग सेंसर ना इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, कैमरा वगैरह ना इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पे रिवर्स लाइट इसकी प्लेस की गई है, नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है, एंड यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। लोअर बम्पर इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग का यूज़ किया गया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड रियर लुक ना कुछ इस तरीके का दिया गया है। इसमें रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर कुछ भी नहीं देखने को मिलता इस वाले वेरियंट में। ये सारी गाड़ियाँ आपको गीता, Hyundai, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। शहादतगंज में शोरूम अवेलेबल है, आप यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, अपनी गाड़ी बुक भी करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप प्लेस किया गया है, शार्क फिन एंटीना मैंने आपको दिखाई दिया वहाँ पे दिया गया है। एंड रियर लुक ना इसका कुछ इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ पे क्रेटा की बैजिंग मिल जा रही है, Hyundai का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। एंड इस साइड से बिल्कुल सेम है उस तरफ की तरह, यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर गैप प्लेस किया गया, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 50 लीटर का ना फ्यूल टैंक दिया गया, मतलब काफ़ी बड़ा सा इस गाड़ी में फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं, ये देखिए ये ओपन हो गया है, यहाँ से आप मतलब फ्यूल डलवा सकते हैं। E20 फ्यूल को ये वाला वेरिएंट सपोर्ट करता है, मतलब क्रेटा का कोई सा भी वेरिएंट लेंगे सब E20 फ्यूल को सपोर्ट करते हैं। एंड बात करें इसके रियर बूट स्पेस की तो भाई कुछ इस तरीके से इसका टेल गेट ओपन होता है, यहाँ स्पेस दी गई है क्लोज़ करने के लिए,
एंड काफ़ी मतलब ऊपर तक ना इसका टेलगेट ओपन हो जाता है, जिससे जिन लोगों की हाइट थोड़ी सी कम है ना तो उनको मतलब बंद करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाकी काफ़ी डिसेंट साइज़ का इसमें बूट स्पेस दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे ना लिख भी दूंगा मतलब कितने लीटर का इसमें बूट स्पेस दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये कवर मिल जा रही है, गाड़ी को कवर करने के लिए टूल किट वगैरह यहाँ पे मिल जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MRF कंपनी का इसमें स्पेयर व्हील यूज़ किया गया है। 205/65R16 सेक्शन का इसमें स्पेयर व्हील इसका दिया गया है। इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जा रही है, आपको कुछ भी सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पे हुक भी दिया जा रहा है। एंड इसका जो रियर सीट है ना वो आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी पांचों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट दी जा रही है। एंड इसमें ना मतलब सीट कवर लगाया गया है लेदर वाला, जो कि भाई एसेसरीज़ का ही पार्ट है। बाकी अगर आप गाड़ी परचेस करेंगे ना तो कुछ इस तरीके की इसमें सीट दी जाएगी फैब्रिक अपॉलस्ट्री के साथ में। ये हो गया इस गाड़ी का बूट स्पेस। में पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगा, आपको मतलब एज अ एसेसरीज ही लगवाना पड़ेगा। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। एंड बात करें रियर डोर की, तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे इस गाड़ी का रियर डोर ट्रिम डुअल टोन में इस गाड़ी का डोर ट्रिम दिया जा रहा है। मतलब डोर ट्रिम ही नहीं, पूरा इंटीरियर ही इस गाड़ी का डुअल टोन में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड डोर हैंडल इसका मैट फिनिशिंग में दिया गया है ब्लैक कलर में, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पे पूरा वाइट फिनिश दी जा रही है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब इस वाले वेरिएंट में आपको कहीं पे भी लेदर का यूज़ नहीं किया गया है, पूरा वाइट में इसका इंटीरियर, मतलब वाइट एंड यहाँ पे ब्लू टाइप का कलर दिया गया है, इसी में इसका इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है इसके डोर हैंडल पे। 0.5 लीटर का बॉटल होल्डर दिया जा रहा है, थोड़ी बहुत यहाँ पे अंदर में ना स्पेस मिल जा रही है। एंड ये इस गाड़ी की सीट, नीचे वाली सीट ना आपको बेंच फोल्डिंग ही देखने को मिलेगी। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, कुशनिंग वगैरह ना एक नंबर की मिल जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें दिए जा रहे हैं, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इसमें आर्मरेस्ट भी दिया गया इस वेरियंट में। और सीट ना इसकी ऐसे ही रहेगी, जो कंपनी की तरफ से दी जा रही है वो ऐसे ही देखने को मिलेगी इस गाड़ी की सीट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो रीडिंग लैंप भी दिया जा रहा है हाइलोजन बल्ब के साथ में। ऑटो ग्रेव रेल इस गाड़ी में दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ना क्लोज भी हो जाता है। एंड यहाँ पे पॉकेट वगैरह दिया गया है इसके मतलब सीट कवर में। यहाँ पे रियर में एसी मिल जाता है इस वाले वेरिएंट में भी आपको, मतलब इतने कम प्राइस में आपको रियर में एसी भी दिया जा रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जा रही है। 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, और भाई हम्प ना बिल्कुल मतलब थोड़ा सा इसमें दिया गया है, जिसकी वजह से जो मिडल पैसेंजर यहाँ पे बैठेगा ना उसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट सीट पे और दिखाता हूँ इस गाड़ी का मतलब डैशबोर्ड। बाकी रियर से कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड, लुक वाइज ना काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब इस गाड़ी का डैशबोर्ड आप और इसके सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती है ना उससे कंपेयर करेंगे तो भाई ये काफ़ी तगड़ा लुक प्रोवाइड करता है आपको। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता ये वाला वेरियंट। फ्रंट में चलते हैं और दिखाते हैं इस गाड़ी का डैशबोर्ड और अच्छे तरीके से। एंड बात करें कीज़ की, तो भाई कुछ इस तरीके की ना इस गाड़ी में की दी जा रही है। वेब की इसमें नहीं देखने को मिलती इस वाले वेरिएंट में आपको। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया जा रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे ना तो ये अनलॉक हो जाएगी, फिर आप अपना बूट स्पेस मतलब टेलगेट ओपन कर सकते हैं। एंड बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल ट्रिम में इस गाड़ी का डोर दिया जा रहा है ड्राइवर साइड वाला। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ से ना आप इसका मतलब लॉक भी कर सकते हैं पावर विंडो। यहाँ से इसका ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड चारों गेट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस मिल जा रही है थोड़ी बहुत, और कुछ इस तरीके का इसका डोर ट्रिम दिया गया है। यहाँ पे कोई भी इसका प्लेट वगैरह नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे ना फाइबर का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी स्क्रैचेस इसके मतलब बॉडी पे नहीं लगने वाले हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें मिल जा रही है, लेकिन मैनुअली ही ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसमें नहीं देखने को मिलता। एंड रिक्लाइन एंगल यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इसकी सीट ना काफ़ी पीछे की गई है। अभी इसको ना मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ इसका स्पेस। मेरी हाइट ना 5 फीट 10 इंच के आसपास ही है, तो उसके हिसाब से मैं इसकी सीट एडजस्ट कर लिया हूँ। और रियर में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अब स्पेस इसमें मिल रहा है आपको, मतलब कोई भी स्पेस के मामले में ना इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तीनों पैडल यहाँ पे इसका दिया गया है। एंड बात करें हैंडल की, तो भाई इसको अभी पीछे कर लेता हूँ, इसको आपको ना मैनुअली ही यहाँ से आगे पीछे करना पड़ेगा। और यह इस गाड़ी की हैंडल, इसमें डी कट स्टेयरिंग व्हील दी जा रही है। यहाँ पे ना इसका इंफोटेनमेंट कंट्रोल के लिए सारा सिस्टम दिया गया है, हाई लो कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम एंड म्यूजिक भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, वॉइस कमांड दिया जा रहा है, हुंडई का लोगो मिल जाता है। एंड इस वाले वेरिएंट में ना आपको 4 एयरबैग दिया जा रहा है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे आप देखेंगे प्लेस किया गया है, एंड चौथा यहाँ पे प्लेस किया गया है। और यहाँ पे मतलब इसके मीटर कंसोल के कंट्रोल सारे दिए जाते हैं। कीज़ मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाता है। एंड अभी इसको लगा के ना आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का मीटर कंसोल। ये देखिए वहाँ पे DRL भी इसका ऑन हो गया। DRL इसका ना पहले आपको दिखा देता हूँ, इसकी AC बंद कर देता हूँ। एंड DRL देखेंगे ना तो काफ़ी बढ़िया सा इस गाड़ी में DRL दिया जा रहा है। जैसे ही आप अपना इग्निशन ऑन करेंगे ना इसका DRL ऑन हो जाएगा।
बाकी हेडलाइट भी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि भाई रात बहुत हो रही है और शोरूम बंद होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लाइट लो बीम की, एंड बात करें हाई बीम की तो भाई हाई बीम भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की इस गाड़ी में लाइट दी जा रही है। आपको पता ही है हुंडई की लाइट ना बढ़िया दी जाती है, आप ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके के। इसमें कनेक्टेड टेल लाइट दी जा रही है, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो लाइट एडजस्ट करने के लिए लीवर दिया गया है, टैक्सियन ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ना आइडियल स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दिया गया है, एंड स्टेयरिंग कुछ इस तरीके की इसकी मिल जाती है। यह इस गाड़ी का मीटर कंसोल, यहाँ पे 4.3 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, लेकिन फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल इस वाले वेरिएंट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल, एंड यहाँ पे ना इसका लाइट कंट्रोल दिया गया है, ना ही इसमें ऑटोमेटिक लाइट मिलती है एंड ना ही ऑटोमेटिक वाइपर इस वाले वेरिएंट में दिया गया है। 8 इंच का ना इसमें टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, एंड काफ़ी सारे फीचर्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सपोर्ट करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग वगैरह, काफ़ी सारी सेटिंग इसमें मिल जाती है, क्लाइमेट वगैरह, मतलब AC यहाँ से भी आप अपनी एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्विचेस कंट्रोल दिया गया है दोनों तरफ, आप इससे वैल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अभी बात करते हैं इसके AC के बारे में, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल AC इस गाड़ी में दी जा रही है। फैन स्पीड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर एंड यहाँ से मतलब पोजीशन भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, USB पोर्ट एंड 12 वोल्ट 180 वाट का यहाँ पे पावर आउटलेट दिया जा रहा है, जिससे आप लैपटॉप वगैरह अपना चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जा रही है। एंड ये है इस गाड़ी का 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब गियर इंडिकेटर भी इसमें बताता है, सिर्फ रियर के लिए यहाँ पे मतलब लिख के आएगा। बाकी यहाँ पे इसका सेंसर वर्क करता है रियर वाला, जो कि दो सेंसर इस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सारी लाइटें ना इसमें इसके मीटर कंसोल पे दी गई हैं, यहाँ पे फ्यूल के लिए एंड यहाँ पे टेम्परेचर के लिए दिया गया है। यहाँ पे इसका RPM मीटर, स्पीडोमीटर एंड यहाँ पे हैंड ब्रेक के लिए लाइट एंड सीट बेल्ट के लिए लाइट एंड काफ़ी सारे लाइटें ना इसके मीटर कंसोल पे दी गई है। मैं आपको एडजस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए करंट ट्रिप, यूज़र सेटिंग एंड यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस वाले वेरिएंट में दिया जा रहा है। एंड यहाँ से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो भाई इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख भी सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की तो भाई इसमें सिर्फ ना टिल्ट टेलीस्कोपिक भाई दोनों दिया गया इस वेरिएंट में। भाई इतना तगड़ा फीचर दिया गया, ये देखिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे इसका लीवर प्लेस किया गया है एंड गियर बॉक्स मैंने आपको दिखाई दिया, फिर मैट फिनिश का यूज़ किया गया जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हैंड ब्रेक यहाँ पे प्लेस किया गया है, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, इसमें थोड़ी बहुत स्पेस भी मिल जा रही है और इस पे ना मतलब लेदर का यूज़ किया गया जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी सीट अपॉजिटी इसकी आप देख सकते हैं, डोर हैंडल वगैरह वहाँ भी आप देख सकते हैं, एयरबैग वहाँ पर प्लेस किया गया है। 4 AC वेंट इसमें दिया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, मतलब AC इस गाड़ी की ज़बरदस्त दी गई है। मैं मतलब मेरे दोस्त के पास क्रेटा है ना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, AC से इस गाड़ी के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे भी आपको AC वेंट मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से फिनिश दी गई है। स्पीकर यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलता, बाकी 4 स्पीकर इस वेरिएंट में दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, एंड 2 ट्विटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड स्क्रीन मैंने आपको दिखाई दिया, मैनुअली इसका IRVM आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सनग्लास होल्डर, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 2 रीडिंग लैंप इसमें दिया गया है हैलोजन बल्ब के साथ में, और यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बात करें सन वाइजर की तो यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है, एंड इस तरफ ना आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही देखने को मिलेगा। एंड इंटीरियर मैंने आपको दिखाई दिया, अब चलते हैं ना इस गाड़ी के इंजन के बारे में आपको दिखाता हूँ, मतलब इस गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, एंड देन वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। यहाँ से आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 7:30 बजने वाला है, और अभी ठंडी के टाइम पे ना मतलब रात काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो अभी इसका मैं आपको दिखाता हूँ इंजन, एंड इंजन साउंड ना मैं लास्ट में स्टार्ट करके आपको इस गाड़ी का सुना दूंगा। बाकी कुछ इस तरीके का इसमें इंजन दिया गया है। बात करें ना इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो भाई इसमें 1497 cc का 4 सिलेंडर MPI इंजन दिया जा रहा है, जो 113 BHP की पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, मैंने आपको बता ही दिया, प्लस 70 km/L का आपको माइलेज आराम से दे देगी अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं तो। 50 L का फ्यूल टैंक दिया जा रहा है, और भाई यहाँ पे ना इसके इंजन पे कार्बन फाइबर का यूज किया गया, मतलब फिनिश का, जो काफी बढ़िया लग रहा है। एंड इंजन
कवर इसके नीचे किया गया है, जिसके वजह से चूहा वगैरह ना काफ़ी आसानी से इसमें नहीं घुस पाएगा। बाकी सारी चीज़ें इसके इंजन में दी जा रही हैं, बैटरी यहाँ पे प्लेस किया गया है। एंड बात करें इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में, तो भाई इस गाड़ी की लेंथ है 4330 mm की, एंड विड्थ है ना इस गाड़ी की 1790 mm की, हाइट है 1635 mm की, एंड ग्राउंड क्लियरेंस है ना इस गाड़ी की 190 mm की, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जा रहा है। तो भाई हर एक चीज़ मैंने आपको बताया गया, जैसे कुछ छूट गया होगा ना तो मैं स्क्रीन पर मतलब लिख भी दूंगा, जिससे आप देखकर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हिंडई की क्रेटा एंड इसका ये स्पेशली EX वेरियंट, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो भाई इस गाड़ी की प्राइस है 1440,000 अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और इसका ना मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। तो भाई इस प्राइस में ना आपको काफ़ी बढ़िया ये पैकेज मिल जा रहा है हिंडई की तरफ से, काफ़ी सारे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। प्लस इंजन इस गाड़ी का ना काफ़ी साइलेंट है, मैं लास्ट में आपको स्टार्ट करके भी सुना दूंगा, मतलब ना के बराबर ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है इस गाड़ी का इंजन। एंड टायर वगैरह मतलब स्टील रिम के साथ में ही आता है, लेकिन डिस्प्ले चारों टायर में मिल जाती है। प्लस स्क्रीन वगैरह ना काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की इस गाड़ी में दी जा रही है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। एंड रियर लुक ना इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भाई ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ हुंडई क्रेटा EX वेरिएंट, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इसका हुड ओपन है ना, फ्रंट का बोनेट खुला हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो भाई कैसी लगी आपको हुंडई की क्रेटा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।